नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। अपने आज के वीडियो में जो अपने सामने ये स्क्रीन पर आप बनी हुई ड्राइंग देख रहे हैं, इस पर गियर की ड्राइंग है। आपने मेरे पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में भी इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है, केटीएम में बनाया है, सॉलिड वर्क में बनाया है, ऑटोकैड में बनाया है। तो आज हम ये 3D मॉडल बनाएंगे इस पर गियर का, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ऑटोकैड इन्वेंटर, ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2017। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने पहली बार आती है। तो हम यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से एक बार न्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए मैट्रिक जो है ना ये हाईलाइटेड होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से स्टैंडर्ड MM.IPT इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसे स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। इसके बाद हमें करना क्या है कि इस ड्रॉइंग को एक बार देखिए, यहाँ पर ये जो जहाँ पर ये टूथ प्रोफाइल आपकी खत्म हो रही है, ये जहाँ से शुरू होती है बेस, यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है आपका 120। तो हम एक सिलेंडर बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 120 और उसकी थिकनेस होगी 60, जो कि प्रेस करके इन तीनों प्लेन्स को सेलेक्ट किया और किसी भी एक प्लेन पर जाकर राइट क्लिक करता हूं तो ये पॉपअप आता है खुलकर। यहां से विजिबिलिटी का ऑप्शन लिया, अब देखिए ये प्लेन्स जो है मुझे परमानेंटली दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसको भी अगर मैं घुमा के देखना चाहूं तो पहले तो यहां होम पर क्लिक करते हुए देखिए ये है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। यहां से मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और माउस में स्क्रॉल बटन को पुश किया, दोनों को पुश किया तो देखिए ऑर्बिट दिखाई देने लगी। अपने माउस को इधर उधर कहीं पर भी हिलाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, जस्ट लाइक ऑटोकैड 3D में जैसे हम करते हैं। तो हम आगे का काम शुरू करते हैं इसमें, तो मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया यहाँ से, इसके बाद क्रिएट 2D स्केच, इसके बाद इस प्लेन पर मैं क्लिक करता हूँ कि प्लेन घूम कर मेरे सामने आ जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने सर्किल पर क्लिक किया, फिर सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद एक बार बाहर जाकर क्लिक किया, ये सर्किल बनकर आ गया। अब इस सर्किल की डायमेंशन के लिए मैं यहाँ डायमेंशन पर मैंने क्लिक किया, अब इस सर्किल की पेरिफेरी पर क्लिक करता हूँ, देखिए डायमेंशन मुझे शो होने लगती है। इसके बाद इसको प्लेस करने के लिए मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ तो ये एक मॉडिफिकेशन बॉक्स खुलकर सामने आता है, इससे हम अब इसमें हम वैल्यू को दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 120 और इंटरप्रेस किया तो 120 डायमीटर का एक सर्किल बनकर हमारे सामने। दोस्तों जूम इन जूम आउट के लिए वही हम स्क्रॉल की को आगे पीछे की तरफ घुमाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे छोटा या बड़ा हमें दिखाई देता है, जूम इन जूम आउट होने लगता है उससे। इसके बाद हम फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे, देखिए फिर मैं इसे जूम आउट करता हूँ। इसके बाद मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, देखिए ये एक्सट्रूजन इस तरीके से हमें नजर आने लगा। अब हमें यहाँ से ये वाला ऑप्शन लेना है सीमेट्रिक, मैंने सीमेट्रिक पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से थिकनेस की जितनी भी वैल्यू होगा वो जिस प्लेन पर हमने ऑब्जेक्ट को बनाया था वहां से दोनों तरफ इक्वल जो है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से मैंने वैल्यू दे दी 60, ये देखिए इस तरीके से प्रीव्यू में आपको नजर आने लगा। ये प्लेन है जिस पर ये स्केच बना है तो जो 60 थिकनेस की वैल्यू है वो 30 ऊपर और 30 नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्लेन के दोनों तरफ इक्वल। यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये एक सिलेंडर बनकर आपके सामने आ गया। इसके बाद फिर से हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, क्रिएट 2D स्केच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए मैं ये सरफेस को एज अ प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सरफेस पर क्लिक किया, जैसे ये हाईलाइट हुई ये घूम कर मेरे सामने आ जाता है, देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ से लाइन कमांड पर क्लिक किया, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ये क्वाड्रेंट से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्वाड्रेंट होना बहुत जरूरी है, टच करें क्वाड्रेंट है, यहाँ से मैंने ये लाइन बना दी, देखिए टेंजेंसी का ऑप्शन यहाँ पर आ गया था। अब मैं यहाँ से डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ, देखिए इस लाइन की डायमेंशन जो है मुझे देनी है कितनी 10 और इस लाइन की डायमेंशन मुझे देनी है 6, तो इसे टच कराना होगा। डिलीट करते हैं, यहाँ से एक लाइन और बनाता हूँ,
अब डायमेंशन को क्लिक किया, इस लाइन को किया 15 और इस लाइन को किया 6। अब यहां से हमें क्या करना है कि एक आर्क बनाना है। ये आर्क कमांड पर क्लिक किया, 3 पॉइंट ऑप्शन को दिया, इसके बाद पहला क्लिक इस लाइन के एंड पॉइंट पर और दूसरा क्लिक इस लाइन के एंड पॉइंट पर। अब देखिए दोनों तरफ ये आर्क बन रही है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक और क्लिक करेंगे इस आर्क को बनाने के लिए, 3 क्लिक हो गए, 3 क्लिक में ये आर्क भी बना। अब हमें क्या करना है कि इस आर्क को यहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है। इसे एक्सटेंड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एक सर्कल और लिया, ये सेंटर पॉइंट, और ये इसकी जो परिधि यहाँ पर 120 का मैसेज आ रहा आपके सामने, यहीं पर क्लिक कर दिया। अब मुझे इस आर्क को यहाँ तक पहुँच मिरर कमांड पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर क्लिक करके पहले तो उस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे जिसे हमें मिरर करना है, दोनों को हमें मिरर करना। जब ये दोनों सेलेक्ट हो गए इसके बाद ये मिरर लाइन का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करके ये देखिए, इसके बाद अप्लाई किया तो देखिए ये मिरर तक हमारे सामने आ गया। अब हम इस लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, मैंने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमें ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है आप इसे देखेंगे, देखिए ये भी सर्कल पूरा बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से ट्रिम को यूज करेंगे। ट्रिम पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए ये जो बचा हुआ हिस्सा था इसे हमने रिमूव कर दिया, हमें सिर्फ इतना ही प्रोफाइल चाहिए एक्सट्रूड का। यहाँ से मैं फिनिश स्केच पर क्लिक करता हूँ और एक्सट्रूड पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और ये इस तरीके से एक्सट्रूजन होता हमें नजर आ रहा। अब यहाँ से मुझे दूसरे एंड पर इसे ले जाना है यहाँ तक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस के बाद आता है टू, जैसे टू का ऑप्शन हम लेते हैं ये हमसे पूछता है कहाँ तक हमें इस सर्फेस तक ले जाना है। जैसे इस सर्फेस पर मैंने क्लिक किया ये वहां से यहाँ तक आकर एक्सट्रूड हो गया। यहाँ पर किसी तरीके की वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ से अपने पर क्लिक किया, ये देखिए टू प्रोफाइल इनपुट कर। इस तरह के दोस्तों हमें 14 टीथ बनाने हैं, तो उसके लिए हम सर्कुलर एरे या सर्कुलर पैटर्न कमांड का यूज करते हैं। सर्कुलर पैटर्न, हमने सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया, यहाँ से देखिए फीचर के लिए हम कह रहे हैं, तो फीचर ये वाला है X2 जो है हमारा फीचर है। हम चाहे तो इस प्रोडक्ट ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया जिसे हमें सर्कुलर पैटर्न करना है। अब रोटेशन एक्सिस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रोटेशन एक्सिस में हमने इसका जो ये एज, इस एज पर क्लिक किया, देखिए अब आपको प्रीव्यू में ये नजर आ रहे हैं टीथ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यानी कि ये नंबर ऑफ काउंट कितना है, ये मतलब गियर का जो
यहाँ पर हमें लेनी है वैल्यू 14, हमने 14 टाइप किया। देखिए प्रीव्यू में आपको सारे नजर आ रहे हैं, इतने 20 में टी सॉरी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं, देखिए स्पर गियर बनकर आपके सामने आ जाता है। इस ड्रॉइंग में अभी और भी काम था जो हमें करना है, तो वो क्या है, एक ये सर्कल बनाएंगे, उसके बाद फिर ये वाला सर्कल बनाएंगे। बाहर वाले सर्कल का डाया जो है वो है 100, और ये अंदर वाला सर्कल जो बनाऊंगा इसका डायमीटर है 60। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों एक्सट्रूड पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर क्रिएट 2D स्केच पर क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद इस सर्फेस को एज अ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर क्लिक करके इसके बाद मैंने सर्कल का वही ऑप्शन लिया पुराना और इस सेंटर क्लिक किया और फिर एक क्लिक और किया, इसके बाद डायमेंशन क्लिक किया, इस सर्कल की पेरिफेरी क्लिक किया और एक क्लिक और किया, तो फिनिशिंग बॉक्स खुल कर आया। इसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू टाइप की डायमीटर की, यानी कि 100। बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने एक सर्कल और बना रहे हैं, यहाँ पर जो डायमेंशन वो हमें कितनी 60, ये दोनों सर्कल बन गए। इसके बाद मैं फिनिश स्केच पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद एक बार फिर से हम फ्रूट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आउटपुट हमें कैसा चाहिए, मैंने पहला क्लिक यहाँ पर किया था और उसके बाद दूसरा क्लिक जो है मैंने इस स्केच पर किया है। अब देखिए ये मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा, कैसे किस तरीके से किया, यहाँ पर मैंने टाइप किया 60 और डायमीटर 12 और ये होल जो है ये आर पार बन गए। तो हम शुरू करते हैं, नंबर ऑफ होल्स जो है वो है 8, तो इसे भी हमें एक होल बनाकर उसे सर्कुलर पैटर्न करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने फिर से देखिए क्लिक किया और एक्सट्रूड क्रिएट 2D स्केच, आफ्टर दिस ये सरफेस जैसे ही हाईलाइट मैंने फिर से सर्कल कमांड को लिया, सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए सर्कल बनाया, डायमेंशन में गया, इस सर्कल की डायमेंशन भी इसका डायमीटर है 12 और एक सर्कल 12 mm डायमीटर तक बनकर आपके सामने आया। अब मुझे करना क्या है, एक बार हम ड्राइंग की तरफ फिर देखते हैं। देखिए ये एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक सर्कल है, लेकिन सेंटर लाइन की तरह उस पैटर्न में ये सर्कल बना। ये फिर सर्कल डायमीटर यहाँ पर ये PCD 80 दे रखा है, यानी कि टोटल डाया जो है इसका वो है 80, यानी कि इस सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 40 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसका सेंटर और ये सेंटर जो आपको नजर आ रहा है इसकी डायमेंशन हमने निकाली
सिर्फ बिल्कुल ठीक उसी मेथड से जैसे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन को निकाल रहे हैं, और इसे हमने कर दिया यहाँ पर 4। देखिए सर बीच में आ, इसके बाद हम यहाँ फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक किया। अब देखिए ये यहाँ से डायरेक्शन पीछे की तरफ ले गए, जैसे पीछे की तरफ ले गए तो देखिए कट ऑप्शन अपने आप ऑन हो गया। यहाँ से बस हमें वैल्यू जो है टू नेक्स्ट देंगे और टू नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ से तो हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ओके पर क्लिक किया, ये होल बनकर आपके सामने आ गया। यहाँ से दोस्तों इसे भी हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक करता हूँ, फीचर के लिए यहाँ पर क्लिक किया और एक्सक्लूजन कोड प्रोडक्ट थ्री से मैंने एक्सक्लूजन कोड यानी कि ये फीचर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर मैंने रोटेशन एक्सिस के लिए एरो पर क्लिक किया, और इसके बाद ये जो एज है ये इस वाली एज पर मैंने क्लिक किया, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, दोनों से किसी पर भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये सब कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। जैसे ही क्लिक किया रिव्यू में आपको ये फुल नजर आने लगे। यहाँ से अब हम काउंट जो है इसका ले लेते हैं 8, और उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ। देखिए 8 होल आपको नजर आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें की होल बनाना है। की होल की डायमीटर है ये 40, और यहाँ से जो ये की होल का प्रोफाइल बनेगा, यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ऊपर की तरफ जिसकी लेंथ होगी 24, और उसके बाद ये ऑफसेट करेंगे यहाँ से 5-5 mm इस तरफ, 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ। कैसे होगा देखिए, एक्सट्रूड पर क्लिक किया, क्रिएट 2D स्केच आया, फिर इसके बाद क्रिएट 2D स्केच पर भी क्लिक किया। इसके बाद मैंने ये सर्कल दी, और इसके बाद एक सर्कल बनाता हूँ मैं। देखिए सर्कल बनाया एस्केप कमांड से, मैं कमांड से बाहर एस्केप दबाकर मैं कमांड से बाहर निकला। इसके बाद डायमेंशन पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ से ये सर्कल और प्लेस किया डायमेंशन 40 पे। इसके बाद मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ से, ये वर्टिकल लाइन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन की डायमेंशन होगी 24 की बन गई। अब हम इसे ऑफसेट करेंगे, मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं वैल्यू ये दे दूंगा 5 और एंटर, और उसके बाद फिर इस लाइन पर क्लिक करूंगा और इस डायरेक्शन में जाने के बाद वैल्यू दूंगा 5 और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए ये दो लाइनें ऑफसेट हो गई। इसके बाद फिर दे रही हैं एजेस पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ से ओके पर क्लिक किया, देखिए सब जगह पे रेडियस अपने आप आ गई 2 mm की। इसके बाद हमें रेडियस दोस्तों यहाँ पर देनी है, इस कॉर्नर पर जो सेक्शन व्यू में नजर आ रही है, रेड लिया हमने, वैल्यू यहाँ से हमने चेंज कर दी, 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद इस सरफेस पे ये एज पर और उसके बाद इस एज पर, ये दोनों एजेस जो है वो 3 mm से फिलेट हो गई है। ओके पर क्लिक किया दोस्तों, ये स्पर गियर। अब इसे हम यहाँ से ये एक्स वाई जेड प्लेन जो है कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करने पर ये विजिबिलिटी ऑप्शन जो है अनचेक कर दिया। अब इसे स्पर किया। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।